फ्रेंड्स, और वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम अपनी इस वीडियो में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि टेट के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सिर्फ माता से, सेकंड ऑप्शन है सिर्फ पिता से, थर्ड ऑप्शन है माता एवं पिता दोनों से, फोर्थ ऑप्शन है माता पिता एवं उनके पूर्वजों से। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो है फोर्थ ऑप्शन, माता पिता एवं उनके पूर्वजों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण आनुवंशिकता कहलाता है। आनुवंशिकता के संदर्भ में निम्न कथन किस विचारक का है? तो फर्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स एच ए पैटर्सन, सेकंड ऑप्शन है अब्राहम मास्लो, थर्ड ऑप्शन है जेम्स ड्रेवर और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है वुडवर्थ। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन, जेम्स ड्रेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आंखों का रंग, सेकंड ऑप्शन है सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता और थर्ड ऑप्शन है समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति और फोर्थ ऑप्शन है चिंतन पैटर्न। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट ऑप्शन, आंखों का रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है वंश, सेकंड है वंशानुक्रम, थर्ड ऑप्शन है वातावरण, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा सेकंड ऑप्शन, वंशानुक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे पर आनुवंशिकता का प्रभाव है? तो तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं, पहला है विशिष्ट शारीरिक लक्षण, सेकंड है विशिष्ट बुद्धि, थर्ड है विशिष्ट चरित्र। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है केवल ए, सेकंड है केवल बी, थर्ड ऑप्शन है ए और बी, फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फोर्थ ऑप्शन, ये सभी, यानी कि ये सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता तथा वातावरण परस्पर है, तो क्या है? ए पॉइंट है निर्भर, बी है पूरक, सी है सहयोगी। तो फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए, सेकंड है केवल बी, थर्ड है केवल सी और फोर्थ है ये सभी। इसका जो राइट आंसर होगा सेम, फोर्थ ऑप्शन, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास पर आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है? तो ए पॉइंट है सामाजिक विकास, बी है संवेगात्मक विकास, सी है मानसिक विकास, डी है शारीरिक विकास। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है केवल डी, सेकंड है ए और बी, थर्ड है ए बी और सी, फोर्थ है ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अगेन फोर्थ ऑप्शन, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बालक का शारीरिक लक्षण प्रभावित होता है तो किससे होता है? फर्स्ट ऑप्शन है केवल पिता के डीएनए से, सेकंड ऑप्शन है केवल माता के डीएनए से, थर्ड ऑप्शन है माता एवं पिता दोनों के डीएनए से, फोर्थ ऑप्शन है ना तो माता के और ना ही पिता के डीएनए से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन, माता एवं पिता दोनों के डीएनए से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि डैश और डैश की अंतःक्रिया द्वारा होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है माता पिता के व्यवहार, सेकंड है उसके मित्रों भाई बहनों के व्यवहार, थर्ड है उसके शिक्षकों अभिभावकों के व्यवहार और फोर्थ ऑप्शन है आनुवंशिकता और वातावरण। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है फोर्थ ऑप्शन, आनुवंशिकता और वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक को जो मूल प्रवृत्तियां डैश से प्राप्त होती हैं उनका विकास डैश में होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है वातावरण और वंशानुक्रम, सेकंड है वंशानुक्रम और वातावरण, थर्ड है परिवार और विद्यालय, फोर्थ है समाज और परिवार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड ऑप्शन, बालक को जो मूल प्रवृत्तियां वंशानुक्रम से प्राप्त होती हैं उनका विकास वातावरण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के सम्यक विकास के लिए निम्नलिखित में से किनका संयोग सर्वाधिक अनिवार्य है। तो फर्स्ट ऑप्शन है उसके विद्यालय एवं परिवार, सेकंड ऑप्शन है उसके वंशानुक्रम और वातावरण, थर्ड ऑप्शन है उसके परिवार एवं समाज, फोर्थ ऑप्शन है उसके समाज एवं राष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड ऑप्शन, उसके वंशानुक्रम और वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण वो बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये किसने कहा था। तो फर्स्ट ऑप्शन है वुडवर्थ, सेकंड है रॉस, थर्ड है एनास्टसी और फोर्थ है उपरोक्त में से किसी ने नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन, रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ, तो फर्स्ट ऑप्शन है उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, सेकंड ऑप्शन है उन्हें खेलने का मौका मिले, थर्ड ऑप्शन है उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, फोर्थ ऑप्शन है कड़ा अनुशासन हो। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है फर्स्ट ऑप्शन, उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप दिल्ली के किसी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं, आपकी कक्षा का एक छात्र अफजल हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है तथा एक अन्य छात्र सुदीप केरल का मूल निवासी है, आप दोनों के रंग रूप स्वभाव आदि में काफ़ी विभिन्नताएं देखते हैं, इसका प्रमुख कारण हो सकता है। तो क्या हो सकता है, पहला ऑप्शन है वातावरणीय प्रभाव, सेकंड है विद्यालय में दोनों का शैक्षिक सत्र और थर्ड है आपकी शिक्षण विधि, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, वातावरणीय प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे की आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है उसे बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए, सेकंड है उसे बालक को अधिक से अधिक पुस्तक पढ़ने की सलाह देनी चाहिए, थर्ड ऑप्शन है उसे खेलकूद में अधिक से अधिक भाग लेने की सलाह देनी चाहिए, फोर्थ ऑप्शन है उसे विकास के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट ऑप्शन, उसे बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है पालन पोषण, सेकंड है सामाजिक विकास, थर्ड है संवेगात्मक विकास, फोर्थ है परिवेश के लाभ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट ऑप्शन, पालन पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवेश के प्रभाव मानव के डैश और डैश दोनों चरणों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक और आर्थिक, सेकंड है समाज विद्यालय में शिक्षा, थर्ड है प्रसव पूर्व और प्रसव के उपरांत, फोर्थ है परिवार विद्यालय में विकास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन, प्रसव पूर्व प्रसव के उपरांत, यानी कि परिवेश के प्रभाव मानव के प्रसव पूर्व और प्रसव के उपरांत दोनों चरणों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है, यानी कि अलग अलग है, इस तथ्य का प्रमुख कारण क्या है? तो तीन पॉइंट्स दिए हैं, ए है भौतिक वातावरण, बी है सामाजिक वातावरण, सी है वंशानुक्रम। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वह है केवल ए, सेकंड है ए और बी, थर्ड है ए और सी, और फोर्थ है ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फोर्थ ऑप्शन, ये सभी, यानी ये सभी ही प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है, आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे, सेकंड ऑप्शन है छात्र को रोज पीटेंगे जब तक कि वह कक्षा में अनुशासनहीनता करना नहीं छोड़ देता, थर्ड ऑप्शन है स्कूल से उसका नाम काटने के लिए प्रधानाचार्य से कहेंगे, फोर्थ ऑप्शन है इसको इलाज के लिए किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास लेकर जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसका पर्याप्त विकास क्यों नहीं हो रहा है, आदि प्रश्नों के उत्तरदायी तत्व हैं तो कौन से हैं? ए ऑप्शन, ए पॉइंट है वंशानुक्रम, बी है वातावरण। तो फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए, सेकंड है ए और बी दोनों, थर्ड है केवल बी, फोर्थ है ना तो ए और ना ही बी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड ऑप्शन, ए और बी दोनों। तो नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं जिसके कारण शिक्षण प्रणाली में जटिलताएं आ रही हैं, आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या है? तो तीन पॉइंट दिए हैं, ए ऑप्शन, ए पॉइंट है दूषित वंशानुक्रम, बी है दूषित सामाजिक वातावरण, सी है दूषित परिवेश। तो फर्स्ट ऑप्शन केवल सी, सेकंड है केवल बी, सी है केवल सी, फोर्थ है ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फोर्थ ऑप्शन, ये सभी, ये सभी ही इसका कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की वर्तमान विचारधारा में निम्नलिखित में से किसका महत्व है? तो किसका महत्व है? फर्स्ट ऑप्शन है केवल प्रकृति, सेकंड है केवल पोषण, थर्ड है प्रकृति एवं पालन पोषण दोनों का, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन, प्रकृति एवं पालन पोषण दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है तो किसका परिणाम है? फर्स्ट ऑप्शन है केवल अनुवंशिकता का, सेकंड है पालन पोषण और शिक्षा का,
चल रहा है अनुवंशिकता और वातावरण की अंतक्रिया का, फोर्थ ऑप्शन है केवल वातावरण का, तो इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन, अनुवंशिकता और वातावरण की अंतक्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। एक वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? तो फर्स्ट ऑप्शन है धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। सेकंड ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक स्तर पर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। थर्ड ऑप्शन है निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। फोर्थ ऑप्शन है दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड ऑप्शन, सामाजिक आर्थिक स्तर पर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः, फर्स्ट ऑप्शन है लड़कियों की तुलना में अधिकतम लड़कों में पाई जाती हैं। सेकंड ऑप्शन है अधिकतम उन बच्चों में पाई जाती हैं जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। थर्ड ऑप्शन है उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। फोर्थ ऑप्शन है औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन, उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के विकास में अनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला ऑप्शन है अनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते हैं। सेकंड ऑप्शन है समवयस्कों के और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। थर्ड ऑप्शन है अनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। फोर्थ ऑप्शन है सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए अनुवंशिकता जरूरी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड ऑप्शन, समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो फर्स्ट ऑप्शन है अनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। सेकंड ऑप्शन है गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक होता है जो गोद लिए गए उनके सगे भाई बहनों का होता है। थर्ड ऑप्शन है अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। फोर्थ ऑप्शन है विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट ऑप्शन, ये सही है। अनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है अनुवंशिकी एवं वातावरण, सेकंड ऑप्शन है व्यवहार एवं वातावरण, थर्ड ऑप्शन है वातावरण एवं जीव विज्ञान, फोर्थ ऑप्शन है वातावरण एवं पालन पोषण। इसका जो राइट आंसर है वो है
फर्स्ट ऑप्शन अनुवंशिकी एवं वातावरण। तो प्रकृति पोषण जो है वो अनुवंशिकी और वातावरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? तो फर्स्ट ऑप्शन है जैविकीय विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। सेकंड ऑप्शन है एक व्यक्ति की मूल वृत्ति। थर्ड ऑप्शन है भौतिक एवं सामाजिक संसार की जटिल शक्तियाँ। फोर्थ ऑप्शन है हमारे आसपास का वातावरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट ऑप्शन जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता प्रदर्शित करती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं, बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। तो फर्स्ट ऑप्शन है वृद्धि और विकास, सेकेंड ऑप्शन है स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, थर्ड ऑप्शन है अनुशासन और पौष्टिकता, फोर्थ ऑप्शन है अनुवंशिकता और पर्यावरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फोर्थ ऑप्शन अनुवंशिकता और पर्यावरण। तो फ्रेंड्स, ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के कुछ क्वेश्चन थे जो कि टेट के एग्ज़ाम में आ सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये पिछले कई सालों से आ रहे हैं पेपर में। तो इन क्वेश्चन को आप जरूर कर लेना और मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में और भी क्वेश्चन बताता रहूँगा, चाहे वो सीटेट के एग्ज़ाम के लिए हो, चाहे पीटेट के एग्ज़ाम के लिए हो, चाहे एचटेट हो, चाहे यूपीटेट के एग्ज़ाम हो, एनवीएस और केवीएस के भी क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड, तब तक के लिए थैंक यू।